सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज़। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बड़े फ्री एजेंट के बारे में जो कि कन्फर्म हो चुका है रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या बेली एंड साशा बैंक्स ने अपने टाइटल्स हारने के बाद रेसलमैनिया 35 में। और साथ ही साथ आज की फाइनल अपडेट में हम बात करेंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में जो कि अब ऑफिशियली हो चुका है WWE की तरफ से कंफर्म। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक न्यू फ्री एजेंट के बारे में जो कि हमें दिखाई देने वाला है अपकमिंग रॉ एंड स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में। तो आपको बता दो, अगर आपको नहीं पता फ्री एजेंट क्या होता है, तो वो सुपरस्टार होता है जो कि हमें रॉ में आता हुआ नजर आ सकता है एंड स्मैकडाउन लाइव में भी आता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब ये जिस तरह से जॉन सीना आते हैं रॉ में या फिर वो स्मैकडाउन लाइव में, उसे कोई परवाह नहीं होती, उनका कोई फिक्स ब्रांड नहीं है। और ठीक उसी तरीके से रिसेंटली सुपरस्टार शेकअप को लेकर WWE ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जहां पर उन्होंने सैमी ज़ेन को बताया कि वो होने वाले हैं अपकमिंग फ्री एजेंट। साथ ही साथ में और भी जो बड़े सुपरस्टार यहां पर फीचर किएंगे इस वीडियो में एज अ फ्री एजेंट, वो है रिचोशेड, अलिस्टर ब्लैक, लेसी एवेंस, हैवी मशीनरी, EC3 एंड निकी ग्रॉस। यानी कि वो सारे NXT के सुपरस्टार जो भी हमें रॉयल स्मैकडाउन लाइक के ब्रांड में आते हुए नजर है, वो सारे सुपरस्टार फ्री एजेंट हैं और उनका कोई फिक्स ब्रांड नहीं होने वाला। और देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या यही सेम चीज हमें अपकमिंग रॉयल स्मैकडाउन लाइक के एपिसोड में देखने के लिए मिलती है या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी दूसरी अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है बेली एंड साशा बैंक्स के बारे में, साथ ही साथ रेसलमैनिया 35 के बारे में, जहां पर इन दोनों ने अपनी चैंपियनशिप को लूज किया, यानी कि बॉस एंड हैक कनेक्शन हार गए थे रेसलमैनिया 35 में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आपको बता दूं रिसेंटली ऐसी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, वो बैक स्टेज पर जाते हैं और तुरंत ही फ्लोर पर जाकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद क्या दिखाई देता है हमें, तुरंत वहां से वो लीव कर देते हैं लॉकर रूम को और वो चले जाते हैं अपने होटल्स की तरफ। और दोनों काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को हार दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैं कह सकता हूँ काफ़ी बुरी बात है कि बेली साशा बैंक्स अपनी टाइटल को रिटेन करना चाहती है, लेकिन WWE के पास कुछ अलग प्लान्स थे जिसके कारण अब हो सकता है पॉसिबली साशा बैंक्स WWE को लीव करते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं WWE में काफ़ी बवाल मचने वाला और हो सकता है और भी बड़े सुपरस्टार हमें कंपनी को लीव करते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी फाइनल एंड मेन अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में जो कि WWE की तरफ से अब एक तरह का ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। तो आपको बता दो अपकमिंग रॉयल स्मैकडाउन लाइक एपिसोड हमें दिखाई देने वाला है, जहां पर सुपरस्टार शेकअप होगा और फाइनल रोमन रेंस भी एक रॉ के बाद यहां पर रिटर्न करने वाले हैं। और आपको बता दूं WWE रोमन रेंस पर कुछ इस तरीके से कह सकता हूं एडवर्टाइज कर रही है रोमन रेंस को कि अपकमिंग रोज रॉ का एपिसोड है, वहां पर हमने देखा किस तरीके से उससे पहले रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया और वो अपनी लुकी में से भी वापस आ गई। तो साथ ही साथ यहां पर WWE कहना यह भी था कि लगता है ऐसे कि अब वो चैलेंज करने वाले हैं अपने शील्ड ब्रदर यानी कि सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि उन्होंने रिलिंक्विश की थी ना कि हारी थी अक्टूबर के अंदर। और देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या दिमाग है अभी फिलहाल रोमन रेंस के पास। तो यहां से एक तरह कह सकते हैं WWE ने ऑफिशियली फ्यू टीज कर दिया कि हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मनी इन द बैंक पेपर व्यू में या फिर हो सकता है कोई और पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रीमैच मिलते हुए नजर आए, हो सकता है वो फिर से हमें यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आए। तो कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके थॉट्स हैं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो यार बस ये थी एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा ही मजा आया तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक मार दो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आपके थॉट्स हैं इन सभी तगड़ी अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ कर सकते हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग अपडेट डेली जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे अगले ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।